मैं के मैप के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। के मैप इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए बुलियन वेरिएबल। जो भी बुलियन वेरिएबल हमने अभी तक लिए हैं, जो भी एक्सप्रेशन दिए हैं, उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, जैसे एंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन क्या था, ए डॉट बी, और गेट का था ए प्लस बी, इस तरह से कोई भी एक्सप्रेशन है जैसे ए बी प्लस सी डी, इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देने के लिए जिस मेथड का हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम के मैप। ठीक है, तो के मैप, ये आप बोलोगे कि अभी हमने एस ओ पी और पी ओ एस के अंदर भी इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, तो एस ओ पी और पी ओ एस के यूज करके भी हमने एक्सप्रेशन को मिनिमाइज किया था। के मैप का यूज करके भी हम एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करते हैं। तो के मैप का यूज क्यों कर रहे हैं, तो के मैप का बुलियन एक्सप्रेशन के ऊपर एक बेनिफिट है कि के मैप के अंदर एक कंडीशन आती है, डोंट केयर की कंडीशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, डोंट केयर की कंडीशन बोलते हैं। तो डोंट केयर की कंडीशन का यूज क्या है कि एस ओ पी और पी ओ एस के अंदर तो सिर्फ जीरो और वन का यूज करते हैं, के मैप के अंदर हम जीरो का यूज करते हैं, वन का यूज करते हैं, साथ में एक डोंट केयर की कंडीशन का यूज और करते हैं। तो इस डोंट केयर की कंडीशन की वजह से हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो और भी मिनिमाइज्ड हो जाता है। ये हम एक एग्जांपल लेके बताएंगे। ठीक है, तो के मैप का थोड़ा सा बेनिफिट है ओवर इसके एस ओ पी और पी ओ एस को देखते हुए। पी ओ एस और एस ओ पी की बजाय के मैप थोड़ा इंपॉर्टेंट है डोंट केयर की वजह से। इसकी वजह से एक्सप्रेशन और भी मिनिमाइज हो सकता है जो कि एस ओ पी और पी ओ एस में नहीं होता। देखते हैं चलो कितने टाइप के मैप होते हैं भाई हमारे पास, जो एग्जाम में यूज होने वाले हैं वो लगभग तीन ही से हमारा काम चल जाता है। पहला आता है हमारे पास टू वेरिएबल के मैप, ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास थ्री वेरिएबल, और नेक्स्ट है हमारे पास फोर वेरिएबल। वैसे तो फाइव वेरिएबल और भी होते हैं, आगे भी होते हैं, लेकिन एग्जाम के अंदर हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या जो भी हमारे लेवल के जो भी एग्जाम्स होते हैं उनमें एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने के लिए हम टू थ्री और फोर वेरिएबल के मैप से हमारा काम चल जाता है। ठीक है, तो टू वेरिएबल की बात कर लेते हैं पहले। टू वेरिएबल के मैप मतलब हमारे पास दो वेरिएबल, ठीक है, इनके कॉरस्पॉन्डिंग हमें आउटपुट दिखानी है। तो पहले मैं इसका रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ सिर्फ कि के मैप में रिप्रेजेंटेशन कहाँ आएगा। तो ये देखो, ये 0 0 हो गया, ये 0 1 हो गया, ये 1 0 हो गया, ये 1 1 हो गया। तो ये किसकी बाइनरी है, 0, ये 1 की, ये 2 की, और ये 3। तो के मैप के अंदर जब भी इसको रिप्रेजेंटेशन देंगे तो देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारे पास 2 क्रॉस 3 कितने वेरिएबल बनेंगे, 4 बनेंगे ना, तो 2 क्रॉस 2 की के मैप होगी। मान लीजिए ए को रिप्रेजेंट कर रहा है इधर बी को, ए क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, बी क्या हो सकता है, या तो 0 या 1। तो ये कॉलम क्या बन गया हमारे पास, 0 0, यहाँ पे दोनों 0 है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 0 वाली जो आउटपुट आएगी वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो 0 1, a0 b1, तो ये हो गया हमारे पास 1। ठीक है, उसके बाद a1 b0, तो यहाँ पे आएगा 2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी आउटपुट आएगा वो, और यहाँ पे आएगा 3। तो टू वेरिएबल के मैप के अंदर इनपुट जो डालेंगे वो ऐसे डालेंगे 0 1 2 और 3, ये आपको याद रखना है। उसका यूज़ क्या होगा वो हम आगे देखेंगे। तो टू वेरिएबल के मैप को कैसे रिप्रेजेंटेशन देंगे वो पता चल गया। नेक्स्ट देख रहा हूँ मैं थ्री वेरिएबल के मैप। थ्री वेरिएबल मतलब वेरिएबल हमारे पास ए बी और तीन सी है। तो जब ए बी और सी तीन वेरिएबल होंगे तो कितने कॉलम बन सकते हैं, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 और 8, हमें 8 कॉलम की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो किस तरह से होगा, इस तरह से होगा भाई। ये हो गया ए और ये हो गया बी और सी, तो ए या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 0 0 1
वन जीरो को यहाँ लेंगे, वन वन को यहाँ लेंगे, ध्यान रखना, वन जीरो को यहाँ लेंगे, वन वन को यहाँ लेंगे, तो जीरो वन टू यहाँ पे आएगा, थ्री फोर फाइव सिक्स यहाँ पे आएगा, सेवन यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन है किसका, थ्री वेरिएबल के मैप का, क्या बोलते हैं इसको, थ्री वेरिएबल के मैप, यस, इसको नोट्स बना लेना आप लिख लेने पर, ठीक है। कैसे यूज करेंगे वो अभी बताऊंगा मैं, एक एग्जांपल लेकर के क्वेश्चन से बिल्कुल समझाएंगे कैसे क्या पेयर बनाएंगे, मिनिमाइज एक्सप्रेशन कैसे करेंगे। फिलहाल से अभी ये रखो कि थ्री वेरिएबल के मैप के अंदर इनपुट अगर जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो यहाँ रखे हैं, वन के कॉरस्पॉन्डिंग है वो यहाँ, टू के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ, थ्री यहाँ, फोर फाइव सिक्स और सेवन, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट होता है फोर वेरिएबल के मैप, तो फोर वेरिएबल के मैप में कितने नंबर ऑफ हमारे पास पेयर्स बनेंगे, तो टू रेज टू पावर एन होता है, जैसे टू वेरिएबल में फोर बने थे, थ्री वेरिएबल में टू की पावर थ्री एट, अभी टू की पावर फोर कितना हो जाएगा, सिक्सटीन बनेंगे, तो यहाँ पे डी और आ जाएगा जीरो जीरो जीरो, तो इस तरह से हमारे पास सिक्सटीन बनेंगे, ठीक है। तो फोर वेरिएबल के मैं बनाता हूँ, यहाँ पे क्या बन जाएगा, इस तरह से बनेगा, ठीक है, ए बी और सी और डी, ठीक है, फोर कॉलम इधर आ जाएंगे और फोर ही हमारे पास रो आ जाएंगे, ठीक है, जीरो 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 वन 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 जीरो, सिमिलरली इधर भी जीरो 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 वन 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 जीरो, ठीक है, ऐसा ही बनेगा। तो यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास, जीरो वन टू नहीं आएगा, थ्री फोर फाइव सिक्स नहीं आएगा, सेवन एट नाइन टेन कहाँ से शुरू होगा, जैसे ये लास्ट में जाके फिर यहाँ बनाता, ऐसे ही एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन और फिफ्टीन, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये बनेगी फोर वेरिएबल के मैप। तो इनपुट सिर्फ फिलहाल आपको क्या करना है, इसको ध्यान रखना है कि फोर वेरिएबल के मैप में इनपुट कहाँ कहाँ बनेगी, इसको राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है, ताकि आगे के लिए आपको ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद आता है ग्रुपिंग इन के मैप, के मैप के अंदर ग्रुपिंग कैसे बनाएंगे वो हमें देखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो इसी का पार्ट है, ग्रुपिंग इन के मैप, के मैप के अंदर ग्रुपिंग कैसे करेंगे, तो हमेशा ध्यान रखना कि के मैप के अंदर जब भी ग्रुपिंग होगी वो क्या होगी, टू रेज टू पावर एन के क्रम में होगी। कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स की ग्रुपिंग हो सकती है, टू रेज टू पावर एन के क्रम में, या तो टू रेज टू पावर एन मतलब एन इज इक्वल टू जीरो, देन ग्रुपिंग कितना होगी, टू रेज टू पावर जीरो है वन, या तो इंडिविजुअल और एटम होगा, कोई भी इंडिविजुअल वेरिएबल होगा, जो भी वेरिएबल होगा या तो इंडिविजुअल होगा, या फिर एन रेज टू पावर वन लेंगे तो टू रेज टू पावर वन दैट इज टू, या फिर दो वेरिएबल की बनेगी ग्रुपिंग, n इज इक्वल टू टू लेंगे तो टू रेज टू पावर टू दैट इज फोर, फोर वेरिएबल्स का ग्रुप बनेगा, या n इज इक्वल टू थ्री दैट इज एट, एट वेरिएबल का ग्रुप बनेगा। तो इस तरह से हमारे पास ग्रुपिंग होगी किसके अंदर, k मैप के अंदर, ठीक है। तो ग्रुपिंग किस तरह से हो सकती है, मान लो ये टू हमारे पास वेरिएबल k मैप है, a और b है, तो इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल ये होंगे, ठीक है ना। तो ग्रुपिंग कहाँ कहाँ हो सकती है, इस तरह से ग्रुपिंग हो सकती है, ठीक है, चारों के चारों एक जैसे हो तो चारों की ग्रुपिंग हो सकती है। डायगनल ग्रुपिंग नॉट वैलिड, ध्यान रखना क्या कि डायगनल जो ग्रुपिंग होगी वो क्या है, नॉट वैलिड, वैलिड नहीं होगी भाई, डायगनली कभी भी ग्रुप नहीं बनेगा। मान लेते हैं ऐसे कभी ग्रुप बना दो आप, या ऐसे ग्रुप बना दो, तो इस तरह से डायगनली के मैप के अंदर कभी भी ग्रुप नहीं बनता है। एंड टू एंड ग्रुपिंग बन सकती है भाई, एंड टू एंड, मान लो यहाँ पे ए बी और सी थ्री वेरिएबल के मैप, तो थ्री वेरिएबल होगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये इस तरह से बनेगा, ठीक है। यहाँ पे जीरो मान लो, यहाँ पे वन है मान लेते हैं, ये जीरो जीरो है, ये सारे सारे जीरो है, ये वन है, ये जीरो है, तो एंड टू एंड इसका और इसके साथ ग्रुप बन जाएगा, ये दोनों मिला करके एक ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पे वन होता और यहाँ पे वन होता तो एंड से एंड का ग्रुपिंग यहाँ पे बन जाती, इस तरह से ग्रुपिंग बन जाती, लेकिन डायगनली कभी भी ग्रुपिंग नहीं बनेगी।
तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो एक तो एग्जांपल लेकर के हम इसको सोल्व करके देखते हैं, ठीक है। और एक डोंट केयर की कंडीशन बताई थी हमने कि के मैप का फायदा क्या है ओवर एसओपी और पीओएस टू मिनिमाइज द एक्सप्रेशन, कि के इसके अंदर एक डोंट केयर की कंडीशन आती है के मैप के अंदर, जिसका यूज करके हम एक्सप्रेशन को और मिनिमाइज कर सकते हैं, जो कि एसओपी और पीओएस में जितना हम मिनिमाइज कर सकते थे उससे भी ज्यादा मिनिमाइज करने के लिए हम डोंट केयर की कंडीशन यूज कर सकते हैं। डोंट केयर मतलब वहां पे जीरो और वन कुछ भी आ सकता है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर द गिवन एक्सप्रेशन मिनिमाइज द के मैप, क्वेश्चन है एफ ऑफ ए बी सी दैट इज इक्वल टू, किसके बराबर है एफ ऑफ ए बी दैट इज इक्वल टू ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी, क्या है हमारे पास ए बार बी बार ए बार बी प्लस ए, ठीक है। तो दो ही वेरिएबल है, देखो दो ही वेरिएबल है, तो टू वेरिएबल के मैप बनेगी, ठीक है। एक तो ये वेरिएबल, एक ये हो गया ए, ये हो गया बी, हमें पता है यहाँ पे क्या आता है जीरो, यहाँ पे आता है वन, यहाँ पे जीरो यहाँ पे वन, ए बार बी बार मतलब जीरो जीरो, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट है, ठीक है। ए बार बी ए जीरो बी वन, इसके कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट है। ए बी दोनों ही वन वन, इसके कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट है, इसके कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट नहीं है, तो ये हो गया क्या जी, ठीक है। दूसरा आता है पेयर बनाते हैं, पेयर कैसे बनेगा टू रेज टू पावर एन की फॉर्म में, तो टी रेज टू पावर जीरो वन सिंगलटन। सबसे पहले देखेंगे कि बड़ा से बड़ा पेयर कितना बन सकते हैं, सबसे पहले कोशिश करेंगे कि बड़ा से बड़ा पेयर बनाए, आठ का बन रहा है तो आठ का बनाओ, आठ का नहीं बन रहा तो फिर चार का बनाने की कोशिश करो, चार का नहीं बन रहा है तो फिर टू का पेयर की बात करते हैं। तो यहाँ पे आठ का और चार का तो बन नहीं सकता, तो कैसा बन सकता है टू का पेयर बन सकता है, डायगोनली नहीं बनेगा, तो या तो ऐसे बनेगा या फिर ऐसे बनेगा। तो इसका जो आउटपुट आएगा हमारे पास वो मिनिमाइज एक्सप्रेशन वो क्या होगा, देखो जहां से चलेंगे अगर सेम रहेगा, यहाँ पे देखो ए, तो ए की वैल्यू जीरो है मतलब ए बार इनटू, यहां से यहां गए जीरो से वन चेंज हो गया, जीरो से वन चेंज हो गया मतलब क्या बन गया हमारे पास वन बन गया मल्टीप्लाई बाई वन, प्लस यहां से यहां जाएंगे तो ये क्या है बी की वैल्यू वन मतलब बी मल्टीप्लाई बाई, यहां से यहां गए जीरो से वन चेंज हो गया, जीरो से वन चेंज हो गया मतलब उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी वन हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से उसको हम नहीं लिखेंगे, तो क्या बन गया ए बार प्लस बी, ये इसका क्या बन गया मिनिमाइज एक्सप्रेशन बन, ठीक है। वैसे बनाएंगे तब भी यही बनेगा ए बार प्लस बी बनेगा, ठीक है। वैसे बनेगा देखो यहाँ से ए बार कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा ए बी बार प्लस बी और प्लस क्या बनेगा ए बी, एस ओ पी और पी एस से निकालेंगे ना, b बार प्लस बी वन हो गया तो a बार प्लस ए बी, इसको डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम लगा दो a बार प्लस a और ये क्या बन जाएगा a बार प्लस b, a बार प्लस a वन हो गया तो आंसर क्या आ जाएगा a बार प्लस, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो SOP POS से निकालोगे तब भी मिनिमाइज एक्सप्रेशन नहीं निकलेगा। लेकिन यहाँ क्या हो गया उसमें गलती होने के चांस है, कहीं कुछ बड़ा एक्सप्रेशन हो तो गलती होने के चांस है, यहाँ पे आसानी से निकल जाता है, ठीक है। तो ये मिनिमाइज द एक्सप्रेशन के लिए हम यूज करते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एफ ऑफ ए बी सी, एफ ऑफ ए बी सी हमें गिवन है मिनटर्म्स 0, 1, 3 और 5, इसका हमें मिनिमाइज एक्सप्रेशन निकालना है, मिनिमाइज एक्सप्रेशन निकालो। तो थ्री वेरिएबल मैप है, पहले थ्री वेरिएबल के मैप बना ए और ये हो गया बीस, ठीक है। यहाँ पे जीरो होता है तो ये हो गया वन, यहाँ पे वन होता है वन, यहाँ पे टू होता है, यहाँ पे थ्री होता है, ठीक है, फोर फाइव और ये सिक्स और ये सेवन, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए जीरो, जिनके कोरस्पॉन्डिंग नहीं है वो, और जीरो 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 वन वन वन,
ये हो गया, तो ये हमें पता चल गया। अब इसका मिनिमाइज एक्सप्रेशन निकालिए, पेयर बना दो, टू का पेयर ये बन गया, टू का पेयर ये बन गया और टू का पेयर ये बन गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहले कोई भी ले लो, इनमें से कोई भी उठा लो, मान लो ये वाला पेयर मैं ले रहा हूँ, तो ये वाला पेयर जब लेंगे तो ए तो चेंज नहीं हो रहा, तो ए एज इट इज, मतलब ए बार वाई आउटपुट क्या निकलेगा यहाँ पे, ए बार जीरो है ना, जीरो तो मतलब ए बार है। यहाँ से यहाँ जाएंगे तो देखो ये जीरो का जीरो है, बी जीरो है, यहाँ पर भी जीरो है, बी बी नॉट चेंज, तो ये बन गया बी बार। सी जीरो से वन चेंज हो गया तो सी की वैल्यू नहीं लिखेंगे। प्लस अगला पेयर ले लो, ये वाला पेयर लेंगे तो ये ए बार तो एज इट इज, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो बी जीरो से वन हो गया, चेंज हो गया, सी एज इट इज है वन, तो सी एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब ये यहाँ से यहाँ जा रहे हैं पेयर में, तो यहाँ से यहाँ जाएंगे बी और सी तो एज इट इज रहेंगे, ए चेंज हो गया, ए चेंज हो गया तो ए नहीं आएगा, बी की वैल्यू जीरो है तो बी बार, सी की वैल्यू वन है सी। तो ये जो हमारे पास के मैप बनेगी, ये जो एक्सप्रेशन आएगा, इसका मिनिमाइज जो एक्सप्रेशन आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, ए बार बी बार प्लस ए बार सी प्लस बी बार सी। देखो बिल्कुल आसानी से हो गया। वैसे हम करेंगे तो इसके पहले सभी की मीन टर्म्स लिखेंगे, फिर कॉमन आउट करेंगे, फिर उसके ऊपर हो सकता है कहीं पर डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम लग रही हो, हमारा दिमाग काम ना करें, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम ना लगाएं, लेकिन यहाँ पे के मैप का यूज करके हम इसको मिनिमाइज करेंगे तो बिल्कुल आसानी से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये तो मेथड है इनका। अब आगे देखता हूँ मैं, ऐसे कि इसी तरह से मतलब बड़े से बड़े एक्सप्रेशन आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। डोंट केयर की कंडीशन देख लेते हैं, तो डोंट केयर की कंडीशन के कॉरेस्पॉन्डिंग एक क्वेश्चन है मेरे पास। ठीक है, जैसे क्वेश्चन क्या है, एक 2x2 के मैप गिवन है, ए और बी, ये 0 0 हो गया, ये 0, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, 1 हो गया। ठीक है, ये हमें गिवन है। अब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे 1 दे रखी है और यहाँ पे 1 दे रखी है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा। ठीक, तो यहाँ एक इस केस में डोंट केयर दे रखा है, जहाँ पे डोंट केयर नहीं हो वहाँ फिर 0, ये है के में। ठीक है, अब अगर इस डोंट केयर का यूज ना करें, अगर इस डोंट केयर का यूज नहीं करें, पेयर में इसको काउंट ना करें, तो हमारे पास क्या पेयर बनेंगे, एक ये वाला बन गया और एक ये वाला बन गया। ठीक है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो 2^0 लेंगे फिर हम, तो 1 इंडिविजुअल पेयर बनेंगे, तो 2^1 ये बन गया। इस पेयर के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास वैल्यू क्या होगी, ए जीरो है बी जीरो है, तो वाई क्या बनेगा, ए बार बी बार प्लस इसको पेयर के कॉरेस्पॉन्डिंग बनेगा वो क्या बनेगा, ए बी। तो देखो इस एक्सप्रेशन को हमें रिप्रेजेंटेशन देना है, लॉजिक गेट्स के बनाना है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, एंड एक एंड गेट लगाना होगा, इससे पहले 2 नॉट गेट लगाने होंगे ए बी के साथ। ठीक है, फिर यहाँ पे एक और एंड गेट लगाना होगा जिसमें ए बी हम देंगे, और ये सारे मिलके फिर एक और गेट में जाएगा, तब जा करके हमें ये आउटपुट मिलेगा ए बार बी बार प्लस ए बी, मतलब 2 नॉट गेट ये लग गए, एक ये लग गया 3, एक ये लग गया 4 5, इसको अगर ना भी लगाना है तो 5 गेट लग गए हमारे पास, 5 गेट की रिक्वायरमेंट है इस एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए। ठीक है, हमें निकालना है इसका मिनिमाइज एक्सप्रेशन। तो डोंट केयर की कंडीशन क्या करती है कि हमारे जो खर्चा आ रहा है, जो भी काम को इम्प्लीमेंट करने के लिए कम खर्चा, हम कोशिश करेंगे कि हमारा काम भी हो जाए और खर्चा भी कम से कम आए, ऐसे ही कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, डोंट केयर की कंडीशन को यूज कर दिया। तो डोंट केयर की कंडीशन को जब हम यूज करेंगे तो क्या होगा, डोंट केयर की यूज करने से एक पेयर ये बन जाएगा और एक पेयर हमारे पास है ये बन जाएगा। तो जब डोंट केयर की कंडीशन का यूज करते हैं तो वाई क्या आएगा, देखो एक फिक्स है ए बार, बी यहां से यहां चेंज हो गया तो बी को नहीं लिखेंगे, प्लस इस पेयर में बात करें तो बी ये है और ए जीरो से वन चेंज हो गया, बी नहीं लिखेंगे, तो एक्सप्रेशन क्या आ गया हमारे पास, ए बार प्लस बी। इसके कंपेरिजन में हमें कम गेट यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, क्या यूज करना पड़ेगा, सिर्फ
एक और गेट यूज कर दिया और यहाँ पे एक नॉट गेट यूज कर दिया ए, और ये हो गया बी। सिर्फ दो गेट यूज करने से ए बार प्लस बी, इसका मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन हमारे पास है आठ। ठीक है, मिनिमाइज एक्सप्रेशन ये आ गया। तो डोंट केयर की कंडीशन यूज किस लिए करते हैं? टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ गेट रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस द गिवन एक्सप्रेशन। किसी भी एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो होगी डोंट केयर की कंडीशन, इसलिए हम यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन है मेरे पास, एक दे रखी है टेबल सेम है, उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें मिनिमाइज एक्सप्रेशन बताना है। ठीक है, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ओके, और गिवन क्या है? वन डोंट केयर वन, वन डोंट केयर वन, और साथ में दिया है वन डोंट केयर वन। ठीक है, ये जीरो जीरो हो गया, तो ये हो गया जीरो वन जीरो 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 वन 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 जीरो। ठीक है, अब इसकी कोरस्पॉन्डिंग हमें मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन निकालना है। तो चार का पेयर बन रहा है, ठीक है ना, तो चार का पेयर बन रहा है तो वो चार का पेयर बना लो पहले, तो ये चार का पेयर बन गया। फिर दो का पेयर ये बन रहा है, और फिर एक दो का पेयर हमारे पास ये बन रहा है, तो तीन पेयर बन गए। ठीक है, तीनों पेयर को देखते हैं पहले। तो चार के पेयर जो है वो देखो पहले, y इज इक्वल टू, चार के पेयर में क्या होगा, ये वाला चार का पेयर है तो इसमें a तो चेंज हो गया, a नहीं लिखेंगे। फिर दूसरा b जीरो से वन चेंज हो गया, ये भी नहीं लिखा जाएगा। c वन से वन ही है तो इस चार का पेयर का एक्सप्रेशन आ गया c। यहाँ पे इस वाले पेयर में बात करें तो a रहेगा a बार, b जीरो जीरो है, c जीरो से वन चेंज हो गया तो b बन गया b बार, सी चेंज हो गया नहीं लिखेंगे। लास्ट वाला पेयर ये है, इसमें ए तो वन है, ए लिखेंगे, बी वन रहेगा, सी चेंज हो गया तो बी लिखेंगे। तो इसका जो मिनिमाइज एक्सप्रेशन होगा हमारे पास है, ये चार वाले पेयर का देख लेना, चार वाला पेयर ये है, चार वाला पेयर ये बनेगा तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ए चेंज हो गया नहीं लिखेंगे, यहाँ से यहाँ गए तो जीरो से वन बी चेंज हो गया बी भी नहीं लिखेंगे, सी यहाँ भी वन है यहाँ भी वन है तो यहाँ से यहाँ गए तो सिर्फ सी आ गया। ठीक है, इस तरह से हम फोर के पेयर को रिप्रेजेंटेशन देंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल है मेरे पास इसी का, कि अगर डोंट केयर की कंडीशन का यूज करके एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करना हो तो कैसे लिखेंगे। ए बी और सी, वन वन डोंट केयर, और ये है डोंट केयर वन वन, ये जीरो, ये हो गया जीरो वन, ये हो गया जीरो 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 वन 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 जीरो। ठीक है, इस तरह से आएगा। तो हमारे पास दो दो के पेयर बन रहे हैं, तो पहला तो एक तो ये बन गया चार का पेयर, ठीक है, ये बन गया दो का पेयर और ये बन गया दो का पेयर। ठीक है भाई, तो देखते हैं क्या एक्सप्रेशन आता है। तो हमारे पास y जो आएगा वो क्या आएगा, देखो यहाँ से यहाँ पहले तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो चार वाले को देख रहा हूँ, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो a नहीं आएगा, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो b चेंज हो गया c एज इट इज है, तो ये रहेगा c प्लस, यहाँ से यहाँ गए तो a का a बार, b का चेंज हो गया नहीं है तो a बार b बार, प्लस ये वाला क्या बन जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो a एज इट इज और b। तो ये एक्सप्रेशन बन गया हमारे पास कब, जब हमने डोंट केयर का यूज किया तब। तो देखो अगर मैं डोंट केयर को यूज नहीं करता हूँ, इसका मिनिमाइज एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है मैंने, तो हमें तो वन जिसके कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट मिलेगी वही चीज जरूरी है हमारे लिए, तो ठीक है ना। तो यहाँ पे बिना डोंट केयर का यूज किए भी तो पेयर बन रहा है, अगर मैं डोंट केयर का यूज नहीं करूँ तब भी ये पेयर बन गया और ये पेयर बन गया। ठीक है, तो इस पेयर से ही हमारे पास y आ जाएगा, यहाँ a बार एज इट इज, b एज इट इज है, c चेंज हो गया b बार, प्लस यहाँ पे a एज इट इज है, b एज इट इज है, c चेंज हो गया तो b, y इक्वल टू a बार प्लस b बार।
वन वन जहां पे मिल रहा है वही तो आउटपुट है, डोंट केयर वाली कंडीशन वाला आउटपुट नहीं है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर हम डोंट केयर जो है वो बाहर आ रहा है, तो यहाँ पे हमें डोंट केयर लेने की कोई जरूरी नहीं है। पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर क्या था, डोंट केयर यहाँ पर था और वन यहाँ पर था, यहाँ पे वन यहाँ पे था, डोंट केयर यहाँ पे था, तो बगैर डोंट केयर का यूज किए पेयर नहीं बन पा रहा था, बगैर डोंट केयर का यूज किए पेयर नहीं बन पा रहा था, यहाँ पर भी डोंट केयर का यूज करना पड़ रहा था, यहाँ पर भी, तो उस केस में तो हमें डोंट केयर लेना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे इस वन को यहाँ शिफ्ट कर दें और इस वन को यहाँ शिफ्ट कर दें, डोंट केयर यहाँ कर दें, तो बगैर डोंट केयर को लिए भी तो हमें सारे जितने भी वन है वो सारे के सारे आ रहे हैं ना फंक्शन में, डोंट केयर का यूज कर रहे हैं तो एक गेट एक्स्ट्रा लगाना पड़ रहा है, डोंट केयर का यूज नहीं कर रहे तो एक गेट कम यूज हो रहा है, एक्सप्रेशन वही आ रहा है, ठीक है ना, उसका फाइनल रिजल्ट तो वही आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे डोंट केयर का ऐसे केसेस के अंदर हम डोंट केयर का यूज नहीं करेंगे, हम हमेशा कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो मिनिमाइज एक्सप्रेशन आए उसके रिजल्ट कम से कम गेट्स का यूज करके हमें आउटपुट मिले।